हाय फ्रेंड्स, आज मैं बताना जा रहा हूँ कि आपका ख़रीदा हुआ फाउंटेन पेन पहले जैसा क्यों नहीं चल रहा है। इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। फर्स्ट, आपका निब ख़राब हो चुका है ज़्यादा प्रेशर दे के लिखने की वजह से, और दूसरा ये हो सकता है कि आपका पेन में इंक का फ्लो ठीक से नहीं हो रहा है। अगर निब में कुछ प्रॉब्लम है तो उसे ठीक करना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आपके पेन में इंक फ्लो का प्रॉब्लम है तो आप पेन को अच्छे से ठीक से क्लीन कर दीजिए, जिसके वजह से इंक फ्लो पहले जैसा हो जाएगा और आपका पेन पूरी तरीके से नया जैसा बन सकता है। तो इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि फाउंटेन पेन को कैसे क्लीन करते हैं। क्लीनिंग प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि पेन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को क्या बोलते हैं। यह है पेन का कैप, और ये जो पकड़ते हैं इसे ग्रिप सेक्शन बोलते हैं, और इस पार्ट को कहते हैं बैरल, और यह है इसका कन्वर्टर। इसके बदले आप कार्ट्रिज भी यूज कर सकते हैं। और ये जो मेटल का पार्ट है इसे निब कहते हैं, इसे निब का टिप बोलते हैं, और इसे ब्रीदर होल बोलते हैं। और ये है जो प्लास्टिक का पार्ट, इसे फीड बोलते हैं, और ये जो लाइन है इसे चैनल बोलते हैं, जिससे इंक निब की तरफ जाता है। चलिए शुरू करते हैं इन पेन का क्लीनिंग प्रोसेस। सबसे पहले मैं आपको कार्ट्रिज और कन्वर्टर को क्लीन करके दिखाऊंगा। और ये है कन्वर्टर। अब मैं आपको ये यूनोमैक्स का फाउंटेन पेन क्लीन करके दिखाऊंगा। अब मैं आपको पायलट डी पेन को साफ करके दिखाऊंगा। अभी मैं आपको प्लैटिनम का प्रफी क्लीन करके दिखाऊंगा।
अब मैं आपको साफ करके दिखाऊंगा बर्कर का कैलीग्राफी फाउंटेन पेन। अब मैं आपको एक पिस्टल फिलर फाउंटेन पेन को साफ करके दिखाऊंगा। अब मैं आपको क्लीन करके दिखाऊंगा पार्कर का फ्रंटियर फाउंटेन पेन। पेन को क्लीन करने से ये सारे प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएंगे, उसके साथ साथ पेन का लाइफ स्पैन भी इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए हर फाउंटेन पेन को करीब 1 से 2 महीने में कम से कम एक बार अच्छे से क्लीन करना चाहिए।